अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू द एडर एसेंस एकेडमी। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। पीआर क्या चीज़ है या किसे कहते हैं? सो 10 क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट में आपको खुशंदीद वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस के कंसेप्ट में। कंजुगेट एसिड बच्चों किसे कहते हैं एंड कंजुगेट बेस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों क्या है, हम एग्जांपल से क्या करते हैं, एग्जांपल से बच्चों इसको क्लियर करते हैं और फिर एग्जांपल के बाद हम इसकी डेफिनेशन को आपसे बच्चे याद करवाएंगे। सो सबसे पहले बच्चे काफ़ी आसान टॉपिक है, सो एक मिनट दो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो लिहाजा बच्चों हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है कंजुगेट बेस। इसके अलावा हम एसिड बेस पर काफ़ी डिटेल पढ़ चुके हैं, इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो लिहाजा हमारे जो हमारे पास क्या है, एमोनिया है और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले इसमें जो हम एसिड और बेस जानते हैं और फिर इसकी जो पार्ट्स बनते हैं कंजुगेट एसिड बेस यहाँ पर बनते हैं। कंजुगेट एसिड बेस क्या है जो यहाँ पर बनते हैं, इसको कंजुगेट एसिड बेस क्यों कहते हैं, सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो बच्चों हमारे पास जो है एमोनिया, एमोनिया के साथ लोन पेयर होते हैं, स्टो के साथ भी होते हैं, लेकिन अमूमन जब हम एमोनिया क्या कर लेते हैं पानी के साथ बच्चों रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये लोन पेयर दे रहा होता है पानी के हाइड्रोजन को। जिस तरह की हमारे पास क्या है बच्चों, ये पानी के मालिक्यूल है और इसने क्या किया है बच्चों, ये पानी की जो मॉलिक्यूल है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है। इस तरह इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सो लिहाजा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एमोनिया की जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेती है और ये जो दो पेयर है, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑक्सीजन अपने पास रख लेता है इस तरह। सो लिहाजा इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी इस OH पर और इस पर बच्चों इसने एमोनिया ने क्या किया, NH3 ने एक लोन पेयर दिया, तो एमोनिया की अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं कुछ इस तरह, NH3 थ्री हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हैं और एक जो बच्चों हम एक हाइड्रोजन क्या किया पानी से एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी है और एक को हाइड्रोजन को ये दिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाला एमोनिया वाला हाइड्रोजन को जो दिया है इस डॉट पर हमने बनाया। सो बच्चों हमारे पास क्या है, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इस नाइट्रोजन ने बच्चों एक इलेक्ट्रॉन दिया, सो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोस्टेड कंसेप्ट, इसको बच्चों हम बेस कहेंगे, इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पीआर डोनर जो हमारे पास होते हैं अकॉर्डिंग टू द ल्यूस कंसेप्ट और अगर ब्रोस्टेड लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक देख ले, प्रोटॉन एक्सेप्टर यहाँ पर क्या है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया पानी से, सो लिहाजा इट इज़ बेस, ये क्या है, ये बेस है। और इसने बच्चों क्या किया है, पानी ने क्या दिया है, पानी ने प्रोटॉन डोनेट किया है, फ्लरिश एंड डोनेटिंग, सो लिहाजा इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिड कहेंगे। सो लिहाजा ये क्या है, पानी क्या हो गया, पानी हमारे पास क्या है, एसिड है और ये एमोनिया क्या हो गया, बेस है। सो लिहाजा प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। लिहाजा ये जो बेस हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एमोनिया को दिया, सो लिहाजा ये एसिड है। यहाँ पर बच्चों अगर हम देख ले, यहाँ पर एमोनिया जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सो ये बात है नाइट्रोजन ऑलरेडी एक पावरफुल न्यूक्लियस है और इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, लेकिन ये एक टेम्परेरी माहदे के तौर पर दे रहा है क्योंकि नाइट्रोजन भी काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देख लें, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ये जो एमोनिया है बच्चों, इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत है कि नहीं है, ज़ाहरी बात है नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की वजह से आ गया है क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, इस तो ज़ाहरी बात है हाइड्रोजन तो ऑलरेडी कमज़ोर है, इससे काफ़ी जल्दी वापस ले सकता है, सो लिहाजा इट कैन अगेन टेक द एमोनिया देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। सो लिहाजा जब एमोनिया इसे इलेक्ट्रॉन ले लें, सो ये फिर एच पॉजिटिव डोनर हो गया कि नहीं, प्रोटॉन डोनर हो गया, सो लिहाजा इन द फॉर्म ऑफ ये क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन की शक्ल में ये एमोनिया कभी भी इसको निकाल सकता है, सो लिहाजा इट इज़ एसिड, ये क्या हो गया है, एसिड। और ये जो बच्चों हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन का कर्ज लिया था, किससे लिया था, इसीलिए इसी लिया था, ये वापस भी इसको दोबारा वापस कर सकता है, सो लिहाजा इसको हम अगर कह दें कि भाई ये अकॉर्डिंग टू दी लोरी ब्रोस्टेड का सेट प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सो लिहाजा प्रोटॉन एक्सेप्टर हम क्या कहेंगे, इसको हम बेस कहते हैं। सो लिहाजा ये जो एसिड बन गया है, ये बच्चों इस बेस से बन गया है, ये इस बेस से बन गया है, इस एमोनिया बेस से बन गया है, सो लिहाजा इसको एसिड हम नहीं कहेंगे, कंजुगेट एसिड हम कहेंगे, इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे। कंजुगेट का क्या मतलब है, रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू एमोनिया, इसलिए इसको हम कंजुगेट एसिड कहेंगे और इसका जो नाम है एमोनियम आयन, इसको कहते हैं एमोनियम
आयन इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एमोनियम आयन कहते हैं। और ये क्या है, ये कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इट कैन ट्रांसफर द प्रोटॉन, सो लिहाजा इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं, डोनेट प्रोटॉन इट्स पॉजिटिव आयन। और ये क्या है, ये कंजुगेट, ये बेस हम नहीं कहते हैं क्योंकि ये एसिड से बन गया है, सो लिहाजा कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस हो गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कंजुगेट बेस कहेंगे। इस OH नेगेटिव आयन को क्या कहेंगे, इस OH नेगेटिव आयन को हम क्या कहेंगे, इसको कंजुगेट बेस कहेंगे, क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब इच पॉजिटिव आयन अगेन एक्सेप्ट कर सकता है किसी रिएक्शन में, सो लिहाजा वी कैन सेज दैट इट इज बेस, बट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस एसिड, फ्रॉम दिस एसिड क्या है, इस एसिड से बन गया है, सो लिहाजा ये इस पानी के साथ रिलेट करता है, सो लिहाजा रिलेटेड टू वाटर इज देयर फॉर इट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। इसी तरह अगर हम H2O प्लस HCl की रिएक्शन करवाएं, तो H2O की वजह अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, H2O की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये क्या है, कुछ इस तरह है, और ये क्या है, H2O है, और इसके साथ जो लोन PR है। इसी तरह अगर HCl की स्ट्रक्चर बनाएं, तो इस तरह है, ये हाइड्रोजन की प्रोटॉन है, और क्या है, क्लोरीन की प्रोटॉन है जो बांध बनाया है। सो जब भी ये HCl पानी में डाल दे, तो जाहिर बात है ये एसिड है, माना जाना एसिड है, कोई शक नहीं है। और ये क्या है, बेस, हम इस तरह इसको किस तरह कहते हैं पानी को, तो एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ये जब हम पानी में डाल दे, तो ये किसी क्लोरीन क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो पानी इसको लोन पेयर ट्रांसफ़र करेगा, जब इसको लोन पेयर दे दे, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाता है, हाइड्रोजन अपना है, दूसरा हाइड्रोजन बच्चों अपना है, और ये वाला हम रेड बनाएंगे, ये H जो है H पॉजिटिव जब बन गया पहले इसके साथ कनेक्ट का, सो लिहाजा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये वाला रह गया, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मुझे ये H पॉजिटिव को दिया बच्चे वरों ने की, तो बच्चों इसको क्या दिया, इस H पॉजिटिव को दिया, सो लिहाजा इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, और ये जो बच्चे हमारे पास क्या है, तो बच्चा अच्छा बच्चे इस जब इस पानी ने क्या दिया, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन को लोन पेयर दिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया ऑक्सीजन ने, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल बच्चों इसको हम इस तरह लिखते H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और वजह हमारे पास क्या बन गया, इसने जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बन गया, तो लिहाजा Cl नेगेटिव इस पर इसको कहेंगे। इसी तरह वजह अगर यहाँ पर देख ले, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, बेस, इसको हम बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ रिब्रोस्टन का। और प्रोटॉन डोनर को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, सो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो हम ओवरऑल बेस एसिड कहेंगे। सो ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन ये जो पानी H2O से क्या बना, इससे H3O बन गया, क्यों ये वाटर है, और इससे H3O बन गया भाई, एक्सेप्टिंग ओनली वन प्रोटॉन, सो लिहाजा ये वापस ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, ये फिर वापस दे सकता है किसी रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ख़तरनाक है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बदमाश है, सो हाइड्रोजन तो काफ़ी कमज़ोर है, ये एट अगेन डोनेट, डोनेट करने की सलाहियत रख सकता है, सो लिहाजा बच्चों इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम इस तरह कह दें कि भाई ये क्या है, एसिड है, लेकिन ये जो एसिड बन गया है ये पानी से बन गया है, इस बेस से बन गया है, सो लिहाजा इसको कंजुगेट कहेंगे, इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे, कंजुगेट एसिड ऑफ द वाटर, मतलब ऑफ बेस, ये क्या है, ये बच्चों ये जो सी एल आया है, ये HCl से आया है, और ये इसको क्या कहेंगे, इसको बच्चों अब कहेंगे कंजुगेट ए बेस, कंजुगेट बेस, सो लिहाजा इससे हमें ये अंदाज़ा चला कि बेस का कंजुगेट एसिड बनता है, और एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, एसिड प्रोटॉन जब डोनेट कर ले, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इट कैन एक्सेप्ट अगेन प्रोटॉन इच पॉजिटिव आइन, सो लिहाजा जो वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रख सकता है, उसको हम बेस कहेंगे, क्योंकि ये बेस जो बन गया है एसिड से बन गया है, सो लिहाजा इसको इसलिए कंजुगेट बेस कहेंगे, कंजुगेट का मतलब रिलेटेड टू दिस एसिड। इसी तरह ये हमने एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, H2O है, पानी है, वाटर,
यही तरतीब है, ये जो पानी को क्या है, ये पानी के साथ लोन पेयर होता है जिस तरह कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, और इस एच पॉजिटिव एच पर अटैक कर लेता है और एसी क्या लेता है, एसीटेट आयन बन जाता है, एसीटेट आयन बन जाता है, और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। तो जो हमारे पास क्या है, ये बच्चों एसिड है, ये बच्चों एसिड है, और ये क्या है, ये पानी क्या हो गया, बेस हो गया, और हमारे पास क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है इस एसीटेट आयन पर, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो लिहाजा इट इज़ कंजुगेट बेस। और ये क्या है, इस H3O हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, कंजुगेट एसिड हो गया, कंजुगेट एसिड, सो लिहाजा इट इज़ कंजुगेट एसिड एंड इट इज़ कंजुगेट बेस। इसी तरह HCl जब रिएक्शन कर लेते हैं पानी के साथ, तो यही एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो इट वाज ऑल अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। सो लिहाजा बच्चों होप क्या क्लियर होगी, इसके बाद हम इसकी कुछ डिफिनीशन लिख चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लिहाजा द पॉजिटिव कंजुगेट एसिड की बात करते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, जिस तरह की अमोनियम है, जिस तरह की हाइड्रोनियम आयन है, जिस तरह की हमारे पास क्या ये हाइड्रोनियम आयन है, इस तरह ये हाइड्रोनियम आयन बन गया है। सो ये इस पर इन सारों पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, जाहिरी बात है पॉजिटिव चार्ज इस पर है, क्यों आ गया है, इसके रीज़न डिटेल से बात कर चुका हूँ। द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म्ड बन जाए बाई अ बेस, किस चीज़ से बनती हैं, बेस से बनती है, किस चीज़ से बनती है, बेस से बनती है, आफ्टर टेकिंग, जब क्या ले ले, आफ्टर टेकिंग अ प्रोटॉन, क्या ले ले, प्रोटॉन ले ले, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ द करिस्पोंडिंग बेस, इस बेस का क्या कहते हैं हम, इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे, इस बेस का कंजुगेट एसिड कहेंगे, ऑफ द करिस्पोंडिंग बेस, करिस्पोंडिंग बेस से क्या मुराद है, जिस बेस से ये एसिड, ये कंजुगेट एसिड बन चुका होगा हो, सो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। सो बिकॉज रीज़न क्या है, इट कैन गिव अ प्रोटॉन, इसको एसिड क्यों कहते हैं कंजुगेट एसिड, बिकॉज इट अगेन गिव प्रोटॉन इन अ रिएक्शन। इसी तरह कंजुगेट बेस द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, हमारे पास जो हमारा ये क्या है, ये एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस क्या है, ये है, और कंजुगेट बेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह हम इसको कंजुगेट बेस कहते हैं नेगेटिव चार्ज, इसी तरह हम इसको कंजुगेट बेस कहते हैं नेगेटिव चार्ज है। सो लिहाजा एक बात तो मान गए हैं हम कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्यों बनते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से एक्सेप्ट कर लेते हैं या कैंच लेते हैं या ले लेते हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लिफ्ट आफ्टर इन एसिड डोनेट प्रोटॉन, जब क्या कर ले, एसिड क्या कर ले, ये हमारे पास एसिड है, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया पानी को, इसी तरह इस यहाँ पर एसिड ने ये जो पानी है, एसिड ने वाटर डोनेट किया बेस को, एमोनियम को, और हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन गया, इस कॉल कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। सो इस एसिड का कंजुगेट बेस है ये, इस एसिड का कंजुगेट बेस, इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या है, ये है। सो लिहाजा इसका रीज़न ये है क्यों इसको कंजुगेट इस बेस कहते हैं, इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये क्या है, अगर हम OH नेगेटिव आयन को देख लिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रख सकता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह अगर क्लोराइड आयन को देख ले, सो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसी तरह अगर हाइड्रोनियम इस तरह एसीटेट आयन को हम देख ले, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इट कैन गेट या एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंजुगेट बेस। तो इट वॉज ऑल अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी।